नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिर्ची बड़ा। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, एकदम फूला हुआ सॉफ्ट है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, जिसे पहले से अच्छे से छान लिया था। इसमें हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सारी चीजों को मिला लेंगे और साथ में हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके ही हम पानी डालेंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़े। और इस बेसन को घोलने के लिए हमें लगभग 1.5 कप पानी लग जाता है। और इस तरह से हमने इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लिया है। घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और देखिए कितना बढ़िया घोल बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का घोल हमें चाहिए है मिर्ची बड़ा बनाने के लिए। इसे साइड रखेंगे। अब हम मिर्ची में कट लगा लेंगे। तो हमने मिर्ची को पहले से धुलकर अच्छी तरह से सुखा लिया था। आप चाहे तो कोई कपड़े से इन्हें पोंछ के भी ले सकते हैं। अगर मिर्चा तीखा है तो आप उसके बीज इस तरह से हटा दीजिए। अगर तीखा नहीं है तो इसी तरह से बना लीजिए, बीज ना हटाएं। और सारी मिर्ची पर हम इसी तरह से कट लगाएंगे। मिर्ची हमने कट लगाकर रख ली है। अब हम इसमें तेल डालेंगे 2 छोटे चम्मच। आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने कद्दूकस करके लिया है। और 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। इन सारी चीजों को हल्का सा हम भून लेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी लाल हो गई हैं तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि हल्दी पाउडर भी हमारा अच्छे से भुन जाए। बस 1 मिनट के लिए ही इसे मिलाएंगे। इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। तो 3 से 4 मीडियम साइज के हमने यहाँ पे आलू लिए थे, जिन्हें मैश कर लिया है। अब हम इसे धीमी आंच में इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे कि हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इसमें मसाले डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। हमने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो 1 छोटे चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। अगर थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो 1/2 छोटी चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस 1 छोटे चम्मच। और बस 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इस मसाले को एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हमें इन मसालों को इतना ही भूनना है, गैस को बंद कर देंगे। और जो घोल हमने बना के तैयार रखा था, इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे 1 चुटकी, ताकि जो मिर्ची बड़ा हम बनाएं वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और फूले फूले बने। अब जो आलू की स्टफिंग हमने बना के रखी है, इसे भर लेते हैं। इस तरह से हम इसे भरेंगे। आप इस तरह से मिर्ची बड़ा बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आपको बहुत ही पसंद आएगा।
सारे मिर्ची बड़ा हम इस तरह से भरकर रख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा है और मिर्ची बड़ा सारे हमने भर लिए हैं, तो डंठल की सहायता से हम इस तरह से इसे घुमाते हुए भर लेंगे और इस तरह से हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो दो या तीन जितने भी आपकी कढ़ाई में आए तो उस हिसाब से आप इसे इन्हें डाल सकते हैं। हल्का सा नीचे से सिक जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। और देखिए कितने बढ़िया ये फूल कर तैयार हो गए हैं। इनका हल्का सा हमें कलर चेंज करना है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आंच मीडियम में ही हमने इन्हें तला है, तो मीडियम आंच में आप इन्हें तल सकते हैं और इस तरह से फिर से हम घोल इस पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसे डाल देंगे। मिर्ची बड़ा हमारा पसंद बनकर तैयार है।